अगर मन में कुछ ठान लिया है कि यार बस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मन में ये ठान लिया है कि गरीबी की जंजीरें तोड़ के बाहर निकलना है, अगर मन में ये ठान लिया कि अपने आने वाली जनरेशन को सारे सुख देने हैं, वो कष्ट नहीं देने हैं जो कष्ट हमने अपने जीवन में भोगे हैं, अगर ये ठान लिया ना, तो फिर आपके जीवन में संसाधन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों बच्चों आप सबको पता होगा, केरल में एक कूली का काम करने वाले इंसान ने यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर लिया है सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखकर। और बच्चों ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों। जो इंसान 300 रुपए के लिए मोहताज होता था बच्चों, जस्ट इमेजिन कीजिए, उसकी ही इज मैरिड, उसके बच्चे हैं, और बच्चों उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया जो विश्व का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। और वो भी कैसे, गूगल की कृपा से, जो फ्री वाईफाई मिलता है रेलवे स्टेशन पर, उस पे ऑनलाइन क्लासेस देख देख कर बच्चों। सो हमारे पास हमारे माता पिता के आशीर्वाद से सारे संसाधन है, हो सकता है एक दो संसाधन कम हो। और बच्चों क्या हम हम एक प्रण नहीं कर सकते कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, हम उस कम से कम कूली जो स्टेशन पे जो कूली थे जिन्होंने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर ली, हम उनसे प्रेरणा लेकर क्या हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बच्चों हमारे पास तो भगवान की कृपा से माँ बाप का सपोर्ट है, सब कुछ है बच्चों, सारे संसाधन है हमारे पास, हम एक्सक्यूज क्या देंगे। अगर आज से 5 साल के बाद, अगर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगर हमसे हमारा बेटा या आने वाला हमारा कोई दोस्त या कोई भी हमसे पूछ ले यार तुम सीएस क्यों नहीं कर पाए, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? मतलब व्हाट एक्सक्यूज आर यू गोइंग टू गिव? क्या आप ये बोलेंगे कि मेरे पास कोचिंग क्लास के पैसे नहीं थे? और बच्चों कोचिंग क्लास तो छोड़ दीजिए, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे, अगर आपके पास सच में सच में अगर आपके अंदर एक आग है, तो पूरा का पूरा सीएस इंक्लूडिंग एवरी 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 सब्जेक्ट, अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर फाइनेंशियली मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूं, क्लासेस तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यूट्यूब पे पूरे का पूरा सीएस का क्लास फ्री रखा हुआ है बच्चों। कुछ हमारे साइड से फ्री मिल जाएगा, कुछ दूसरी क्लासेस से फ्री मिल जाएगा, कुछ तीसरी क्लासेस से फ्री मिल जाएगा। अगर मन में चाह है, जो कूली जो थे जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किए बच्चों, उन्होंने हर एक क्लास का कुछ ना कुछ कंटेंट देखा, कुछ मलयालम में देखा, उनकी भाषा में देखा, कुछ हिंदी में देखा, कुछ इंग्लिश में देखा, बट उनके अंदर जो जिद थी ना कि मुझे करना है, और स्पेशली उन्होंने बताया जब पूछा गया कि भाई क्यों आपने मतलब ऐसा कोई डिसीजन लेता है, आप कूली से डायरेक्टली भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में आप क्लियर करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी को जब देखता था तो मुझे लगता था कि मैंने अपने जीवन में जो कष्ट देखे हैं वो मेरी बेटी ना देखे, वो अच्छी, शी शुड लिव अ गुड लाइफ, तो उसकी उनकी फैमिली ने उनको इंस्पायर किया। सो बच्चों आज से 3 साल के बाद, आज से सॉरी नॉट 3 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद बच्चों इतिहास जो है हमसे प्रश्न करेगा कि तुम सीएस क्यों नहीं कर पाए, तुम सीए क्यों नहीं कर पाए, तुम लाइफ में आगे क्यों ना बढ़ पाए। तो बच्चों क्या उस समय आप समय को फेस करने के काबिल होंगे? क्योंकि आपके पास सबसे बेहतरीन समय अपनी पढ़ाई पूरी करने का आज है, लेकिन आज हमको सोना बाबू खेलना है, आज हमको दूसरी चीजें करनी है, आज हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, आज हमको नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज देखनी है, तो आज हमको मोबाइल पे पूरा टाइम स्पेंड करना है, आज हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सपनों में खो जाना है, आज हमको कार के सपने देखने हैं, सपने देखो, लेकिन उस सपने के चलते हमको आज विराट कोहली को फॉलो करना है। तो बच्चों याद रखिएगा बच्चों, वक्त का पहिया 10 साल के बाद, ये ना हो बच्चों कि 10 साल के बाद जब आपसे समय पूछे कि यार तुम क्यों अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी लाइफ ना दे सके, बच्चों आपके पास इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, यू शुड हैव अ वेरी वैलिड आंसर, नहीं तो 10 साल के बाद जो आपके अंदर एक बहुत भयंकर गिल्ट आने वाला है। हो सकता है अभी प्रेजेंट में 10,000 की आपने नौकरी कर ली है, आपने सीएस छोड़ दिया है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स करते थे आपने छोड़ दिया, 10,000 की नौकरी कर ली आपने, आपको बहुत मजा आ रहा है अभी बच्चों, बट इस सैलरी में आपका ग्रोथ नहीं होगा, बिलीव कीजिए ये 10,000 रुपये आज से 10 साल के बाद बहुत कम हो जाएंगे। तो बच्चों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा बच्चों, प्लीज लाइफ में कुछ ऐसा मत कीजिए जिसका आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो, इसलिए प्लीज अपने समय का एक एक कण अभी अपने करियर को अर्पण कर दीजिए, कर दे समय का एक एक पण, एक एक कण अपने सुनहरे भविष्य के लिए अर्पण बच्चों, यही गुजारिश करना चाहूंगा मैं आपसे। गॉड ब्लेस यू, लव यू, और वो जो कूली हैं उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।